फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है नेहाज किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं एगलेस आलमंड हनी केक। ये केक एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलना, ताकि आपको मेरी फर्दर रेसिपीज की अपडेट्स आती रहे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। एगलेस आलमंड हनी केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 कप दूध। इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाला। उसके बाद हमने लिया है 3/4 कप चीनी, आधा कप घी, आप बटर भी ले सकते हैं या आप ऑयल भी ले सकते हैं, थ्री फोर्थ कप हमने लिया है मिल्क पाउडर। इन सबको हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया और साथ में हम इसमें डालेंगे आलमंड पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब उसके बाद हमने लिया है 1.5 कप आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे से छान लिया ताकि इसमें कोई पार्टिकल्स ना रह जाए। इसके बाद हमने लिया है इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। वन फोर टेबल स्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसको अच्छे से छान कर एक बर्तन में रख रहे हैं। इसको एकदम बारीकी से छानना है ताकि इसमें कोई भी पार्टिकल्स ना रह जाएं। इससे आपका केक का टेक्सचर और भी अच्छा बनेगा। ये देखिए, केक हमने अच्छे से कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप हनी यानी कि शहद। इसके बाद हमने लिया है इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस और जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया था आलमंड पाउडर, मिल्क पाउडर, घी, इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा आप कितनी स्मूथ बनती है। इसको हमें अच्छे से हिलाना है। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी इतनी स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इससे आपके केक के बैटर को बनने में एयर बबल्स आ जाएंगे और आपका केक अच्छे से नहीं बनेगा। अब हमने एक ये ली है ट्रे, इसमें हमने रखा है थोड़ा सा आटा डाल के पूरी जगह लगा दिए, इससे आपका केक चिपकेगा नहीं। या आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम इस बैटर को इस ट्रे में डालेंगे। ये देखिए, हम अच्छे से इसको अब टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए। ऊपर से हम इसको स्प्रिंकल करेंगे चोको चिप्स के साथ। थोड़े क्रश्ड आलमंड्स के साथ। और ऊपर से हम गार्निश करेंगे हनी के साथ ताकि फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो इसका।
अब हम इसको रख रहे हैं बेक करने के लिए 220 डिग्री पर 35 मिनट्स के लिए। अवन को हमने बंद कर लिया है। अब केक रेडी हो गया है 35 मिनट्स के बाद। ये देखिए केक इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी केक बना है और इसका आप टेक्स्चर देखिए, है ना एकदम बढ़िया बाजार जैसा। आप ये केक एक बारी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है एगलेस हनी केक। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।